हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक डीआई जो कि पाई चार्ट और टेबल चार्ट आठ मिक्स डीआई है। ये एक मेंस लेवल की डीआई है। आज ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस या कैनरा बैंक पीओ पीजीडीएफ कोर्सेज जो होते हैं पीओ के, उसमें आने के चांसेस हैं। रीड द परसेंटेज वाइज, आइए देखते हैं कि ये डीआई हमें क्या कह रही है। रीड द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर्स इन ए ईयर, इन परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर इन सिक्स सिटीज। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मेरे 8,40,000 है, जिसमें कि डिवाइडेड है इन सिक्स सिटीज़ में। पी में 19% है, क्यू में 11% है, एस में 16% है, आर में 24% है, टी में 22% है, एट में यू में 8% है। इनमें जैसे, और ये मेरी टेबल चार्ट जो है वो हमको दे रहा है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन डिफरेंट सिटीज, मेल इज टू फीमेल। तो पी में जैसे 19% है, पी में 8,40,000 के, इसमें मेल इज टू फीमेल कितने हैं, 4:3, 4:3 मेरे मेल हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम, मुझे लगता है कि आपको डीआई समझ में आ गई होगी। डीआई इजी, डीआई इजी है, और अब ज़्यादातर डीआई इजी होती है। और अगर आप समझ गए कि डीआई कहना क्या चाह रहा है, तो आप बना लीजिएगा आराम से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन आर इज अप्रॉक्सीमेटली वाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन सिटी एस एंड आर। तो मेल वोटर्स इन आर, आर में कितने हैं, 24% ऑफ 8,40,000, तो 24% ऑफ 8,47,000, इसमें मेल बोला है तो मेल कितने हो जाएंगे, 2/7 ऑफ 24% ऑफ 8,40,000। और नीचे क्या बोला है, वाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ वोटर इन एस एन आर में टोटल परसेंट कितने हैं, 16% प्लस 24%, 40% ऑफ 8,44,000। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे ये लिखना है एग्जाम में, लेकिन मुझे समझाना है तो मैंने पूरा लिखा है। 2 × 24/7 × 40, 4 से किया 10 × 4, से किया 6 × 10 का 0 यहाँ, 0 यहाँ, 6 × 12 × 10, 120/7, ये अप्रॉक्सीमेटली मेरा आ जाएगा 171%। ये एक सबको मिटा देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया ए, 171%। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वोटर्स इन सिटी टी आर एस एंड टी टुगेदर। तो टी में मेरे कितने हैं, टी में मेरे हैं 22%, आर में कितने हैं 24%, एस में कितने हैं 16%, पी में कितने हैं 19%, ये सबको जोड़ लिया तो मेरे कितने हो गए, 81%। इस पे एवरेज निकालना है, तो यहाँ हम 81 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट में आ जाएगा तो और डिफिकल्ट हो जाएगा टास्क हमारा। तो हम 84 को 4 से डिवाइड ना करके 8,40,000 को जो हमने डिवाइड किया है 4 से, वो हम करते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे ये 2 0 चला जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। तो 81 × 21 करना है हमें। तो 81 × 21 कैसे करेंगे, 81 × 21 करना है तो 81 × 10 कितना होता है, 810, इसका डबल कितना हो जाएगा, 1620। और हमें 20 बार में कर लिया हमने 81 को, लेकिन 21 टाइम करना, तो इस पर 81 और ऐड कर दिए तो हो जाएगा 1701, और 2 0 तो थे ही जिन्हें हमें दे देते हैं यहाँ। जैसे कि एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, हमें 81 को 21 से करना था मल्टीप्लाई 2100 से करना था, तो 00 तो हमारे आंसर में लास्ट में रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 81 × 21 करना है, तो 81 × 10 कितना होता है, 810, इसको डबल कर देंगे तो 220 टाइम हो जाएगा, 1620। लेकिन 20 टाइम्स तो नहीं करना था, 21 टाइम्स करना था, तो इस पर एक बार 81 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1701, और 00 तो आंसर में हमें देना ही था, तो हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आइए अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। एक बार आंसर पे से देख लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इन एन इलेक्शन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स फ्रॉम क्यू डिड नॉट कास्ट देयर वोट, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ वोटर्स फ्रॉम क्यू हु कास्ट देयर वोट
to that of female voters of U. क्या पूछा है हमें कि रेशियो ऑफ वोटर्स फ्रॉम क्यू हु कास्ट देयर वोट. तो वन थर्ड हमें बोला कि कास्ट नहीं किए हैं, तो कितने कास्ट किए हैं, टू थर्ड कास्ट किए हैं. इसमें हमको 840,000 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्यू हम इसको 100 में मान लेते कि जैसे 100 में ही इतना डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्यू में मेरा कितना है 11%. 11% का 11% हो गया 100 में, 11% कितने हो जाएंगे 11. 11 के टू थर्ड ने कास्ट किया है वोट. और नीचे क्या बोला है, रेशियो टू द एट ऑफ फीमेल वोटर्स ऑफ यू, यू में कितने हैं 8%, 8 में मेल इज टू फीमेल कितने हैं 2:1, तो 8 × 1/3 फीमेल हो जाएंगे 1:3. 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 11:4 हमारा आंसर. ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था. हर एक डीआई में 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहता ही है जो कि बहुत ईजी होता है. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में. तो हम आते हैं इस क्वेश्चन में. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी पी क्यू आर टुगेदर. मेल निकालना है पी क्यू आर में. ये हमारे डीआई में एक बात है, जैसे 4:3, 7 इज इक्वल टू 19%, ये करके हम काट नहीं सकते हैं. हमारा और क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा. ये नहीं होगा इस डीआई में. तो आपको इस डीआई में वो अप्रोच लेकर के नहीं चलना है. जैसे देखिए आर का है 5:2, तो टोटल होगा 7. 7 इज इक्विवेलेंट टू 24%, नहीं कटेगा. तो ये डीआई में हम ये अप्रोच लेकर के नहीं चल सकते. बाकी डीआई आती हैं जिसमें ये अप्रोच भी काम आ जाता है, तो और जल्दी बन जाती हैं. आइए ये क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी पी क्यू आर टुगेदर. तो पी क्यू आर टुगेदर एक बार अपने से इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, देखिए कैसे बनाते हैं. आई होप कि आपने ट्राई किया होगा. आइए देखते हैं आंसर. पी में मेल निकालना है, तो पी कितना है 19% ऑफ 840,000, इसमें मेरे मेल कितने हैं 4:7. क्यू में कितना है 11% ऑफ 840,000, इसमें मेल कितने हैं क्यू में 3:4, 3/7. और आर में कितने हो गए, आर में कितने हैं 24%, और इसमें आर में यहाँ कितने हैं 2:5, तो मेल कितने हो गए 2:7. तो हम क्या किया कि 840,000 और 2/7 को हमने कॉमन निकाल लिया, और ये कितना हो गया 19 × 4 = 76, 11 × 3 = 33, 24 × 2 = 48. इन सारे परसेंटेज को तोड़ दिया तो 157% हो गया. परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आ गया, 100 से मेरा. फिर ये 2 जीरो कट गया, 7 से हम इसको काटा तो 1200 आया. तो 157 × 12 करना है आपको. कितना करना है 157 × 12, एक मिनट क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को. 157 × 12, तो कैसे करेंगे 12 × 7 = 84, कैरी फॉरवर्ड आएगा 8, 12 × 15 180 + 8 = 188, लेकिन 2 जीरो तो हमारे आंसर में रहेंगे ही. अब 12 × 15 मेरा, इसको बताते हैं हम क्लियर करके. 12 × 15 180 हम कैसे बोला, ये सब टाइम सेव करेगा. 15 × 12 करना है. 15 × 10 कितना होता है 150, 15 × 2 कितना होता है 30, तो हमारा कितना हो गया 15 × 12 180. ये आपको इतना मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा और मैथ बनाते बनाते आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये. तो ये एक इजी क्वेश्चन था. हम फिर 157 × 12 हमको करना है, तो हम एक सेकेंड 157 × 12 करना है. कभी कभी होता है कि माइंड प्रेशर में काम नहीं कर पाता है इतना जल्दी, तो हम कुछ ही नहीं चाहेंगे, 1 और 2 ही तो है. 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10, अगर हम ऐसे ही करके कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा देर लगेगा. लेकिन मेंस का क्वेश्चन है तो आपको टाइम रहता है. कोशिश कीजिए कि सही क्वेश्चन बने, टाइम आपके पास भरपूर है मेंस में. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेंस लेवल के क्वेश्चन के लिए जैसे लॉजिकल रीजनिंग और टफ डीआई, मिसलेनियस क्वेश्चन, चैप्टर्स, सारे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चैनल में ये सब अपलोड होते रहेंगे. थैंक यू.